एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की। हमने समझा कि आजादी के पहले भारत का उद्योग कैसा था, जब हम आजाद हुए उसके बाद उद्योग में क्या परिवर्तन आया और उद्योग जगत को आगे ले जाने के लिए भारत सरकार ने वो कौन कौन सी नीतियां बनाई। अब इन नीतियों के बारे में बात करने के बाद उसी प्रक्रिया में हम बात कर रहे थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की, जिसे नई औद्योगिक नीति या बहुत पॉपुलरली एलपीजी नीति कहते हैं। अब क्या बात हो रही थी एलपीजी नीति में, अगर आप कल के क्लास को रिकॉल कर पा रहे हो, मैं बात कर रहा था लिबरलाइजेशन, फिर मैं बात कर रहा था प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद मैंने बात किया था क्या, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बारे में हमने बात किया था, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, उदार होना, ठीक है। उदार होने का मतलब क्या है, किसके प्रति उदार होना और किसका उदार होना, तो इस प्रक्रिया में मैंने बात किया था सरकार का उदार होना, किसके प्रति, भारतीय कंपनियों के प्रति, और किसके प्रति, विदेशी कंपनियों के प्रति भी सरकार द्वारा उदार होना। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अपने दरवाजे खोलना, किसके लिए, विदेशी कंपनियों के लिए, या एफडीआई की बात कर लें उसके लिए ये उदारीकरण लाया गया। अपने कंपनियों के प्रति उदार होने का मतलब क्या हुआ, बाजार पर सरकार का कम नियंत्रण करना, यानी धीरे धीरे बाजार को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। अब बड़ी बात क्या चल रही थी इसमें, यह था कि कंपनियों से ये कहना कि भाई देखो, अब ऐसे उद्योग बहुत कम हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, अब हर बात के लिए आपको एनओसी के लिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ नहीं भागना है। रेड टेप ब्यूरोक्रेसी मैंने बात की थी, लाल पीता शाही, क्या अफसरशाही की बात की थी। ये क्या था कि हर बात के लिए ब्यूरोक्रेसी में क्या हो, उसके लिए क्या लेना पड़े, आपको एनओसी लेना पड़े। इसी प्रक्रिया के कारण सरकार उदार हुई और कहा कि सरकार अब उदार होने की प्रक्रिया में केवल दो उद्योग ऐसे रह जाएंगे जिसपे गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, अन्यथा और सभी उद्योगों पर किसका एकाधिकार होगा, तो और सब उद्योगों पे सभी लोग उस पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर जब लिबरलाइजेशन की बात चल रही थी, आगे मैं प्राइवेटाइजेशन की बात किया था और मैंने कहा था कि अगली क्लास में इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या है वो, कैसे वर्कआउट करता है। तो मैंने बताया था क्या है निजीकरण, निजीकरण यानी देशन, निजीकरण क्या है, निजीकरण समझिए इस बात को, निजीकरण किसे कहते हैं इस चीज को आप समझिए। निजीकरण, कल थोड़ा मैंने बात किया था निजी होना, यानी किसी एक व्यक्ति के बीच में, अगर सिंपल बात करें निजीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, अ प्रोसेस, निजीकरण एक प्रक्रिया है। अब देखिए, निजीकरण को अगर हम पढ़ रहे हैं तो निजीकरण शुरू करने वैसे इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं थोड़ा अप्रोच की बात कर लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या है निजीकरण, यानी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैसे एक प्रोसेस है, फिर हम पढ़ेंगे निजीकरण के पीछे, निजीकरण के समर्थन में सरकार के तर्क, गवर्नमेंट्स लॉजिक बिहाइंड
प्राइवेटाइजेशन, सरकार का तर्क पढ़ेंगे, फिर हम उन परिस्थितियों की बात करेंगे जिसके कारण निजीकरण लाया गया। फिर हम समीक्षा करेंगे क्या निजीकरण लाना सरकार का एक उचित कदम था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना कि क्या सरकार का निजीकरण करना एक अच्छा कदम था, और फिर अगर नहीं था तो क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी डन। अगर ये अच्छा कदम नहीं था तो क्या किया जाना चाहिए था निजीकरण को लेकर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर सलाह की बात करेंगे कि क्या सलाह देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज को हम बात करते हुए चले, मैं इसलिए इसको और डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉपिक 9 की बात की थी मेंस में कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, ये पूरा का पूरा मेंस में आपको क्या दिया गया है, टॉपिक दिया गया बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसको डिटेल में बात कर रहा हूं, और मुझे लगता है अगर आपका अप्रोच ये हो कि निजीकरण क्या है, क्यों करना पड़ा सरकार को निजीकरण, और जब सरकार निजीकरण कर रही है तो उसके तर्क क्या है उसके समर्थन में, फिर आप समीक्षा करोगे क्या निजीकरण करना एक अच्छा विकल्प था, अगर नहीं तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए, या फिर सरकार ने ऐसा किया क्यों। जैसे इस समय बड़ा ही ये क्या कहते हैं, बड़ा ही चर्चा का विषय है, जैसे BSNL को हटाने की बात की जा रही है, निजी हाथों में देने की बात की जा रही है, एयर इंडिया पे भी खतरा मंडरा रहा है, और भी बहुत बड़े स्तर पे चीजें हो रही हैं। तो इसके प्लस माइनस देखते हुए एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, एलोबरेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा था आपको निजीकरण क्या है, तो मैंने कहा एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। निजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ओनरशिप ट्रांसफर की। ओनरशिप ट्रांसफर की एक प्रक्रिया है, निजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया है, यानी मालिकाना हक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। मालिकाना हक स्थानांतरण की ये प्रक्रिया है। किसके मालिकाना हक की, सरकार के, गवर्नमेंट के उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग्स। आपने वर्ड सुना होगा PSU, कहते हैं वो PSU में काम करते, यानी लगभग सरकारी नौकरी है, यानी सरकारी कंपनियों के, यानी सरकारी उपक्रम और पब्लिक सेक्टर इनकम की एक शब्द होगा, एक भाषा होगा क्या, सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी के मालिकाना हक को कहां ट्रांसफर करना, निजी हाथों में। इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। और इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है, वो होता है विनिवेश।
वो शब्द क्या इस्तेमाल होता है? विनिवेश। विनिवेश किसे कहते हैं? यानी डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश किसे कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? निवेश का मतलब होगा पैसा लगाना, यानी कहां आप निवेश कर रहे हैं। जैसे आपके ऊपर आपके पिताजी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपके ऊपर पिताजी ने क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे आपकी शादी कर दिया और क्या दहेज लेना शुरू कर दिया, तो वो क्या कर रहे हैं? विनिवेश करना शुरू कर देते हैं, यानी पैसा निकालना। देखिए, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, दहेज प्रथा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, आपको आसान से कोई चीज समझ में आ जाए। निवेश मतलब पैसा लगाना, विनिवेश मतलब पैसा निकालना। चलिए इसे कंपनी से समझते हैं। एक कंपनी मान लो 100 करोड़ की है किसी की, ठीक है, इसने क्या किया? 100 करोड़ लगा के कंपनी खड़ा किया, तो क्या किया? निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अब ये 80 करोड़ या 120 करोड़ में कंपनी बेच दे किसी को, तो क्या हो गया? विनिवेश। क्लियर हो रहा क्या? अब देखो, दो बात है, विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है, ठीक है। विनिवेश भी देखो दो तरह का होता है। क्या होता है? एक होता है क्या? टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने कहा, अब यहां थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को लेकर के। जैसे सरकारी कंपनी है, एक बात तो क्लियर होगी, इसको बेचना विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। इसको बेचना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसमें से हिस्सेदारी बेचना, तो अगर इसमें मान लो कोई हिस्सेदारी छोटा भाग बेचा जाता है, यानी इसमें मान लो ये 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, अगर इसका 10% बेचा गया हिस्सेदारी, 20% हिस्सेदारी बेचा गया, 30% हिस्सेदारी बेचा गया, तो ये क्या हो जाएगा? टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सांकेतिक विनिवेश। इसमें क्या खासियत होती है सांकेतिक विनिवेश में? इसमें एक खासियत होती है कि ये कुछ हिस्सा बेचा जाता है, हिस्सेदारी बेची जाती है, लेकिन इसमें मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ की मेरी कंपनी है, मैंने कहा 10% आओ ले जाओ, यानी 10 करोड़ रुपया दे दो, आओ, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसका 10% तुम्हारा होगा। इसका ये मतलब तो है नहीं कि मैंने उसे मालिकाना हक दे दिया। लेकिन अगर 80% वो ले लिया, 90% ले लिया, तब उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सामरिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, सामरिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, सामरिक विनिवेश इसको कहा जाता है। क्लियर हो रही बात? अब देखिए क्या है, एक और बात है, सामरिक विनिवेश में क्या किया जाता है? ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर, यानी कम से कम सरकार 74% हिस्सेदारी इसमें बेचती है, हिस्सेदारी बेचती है, और यही स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन।
अब देखिए हॉच पॉच नहीं करना है, मेरी बात सुनिए। निजीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें सरकारी कंपनियों का मालिकाना हक निजी हाथों में सौंप दिया जाता है। ये क्लियर हुआ। एक शब्द और मैंने इस्तेमाल किया, विनिवेश। आई हैव यूज्ड अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिस इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। बहुत कॉमन बात है भाई, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो आप, पूछते हैं लोग ना भाई, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट है क्या? मैंने कहा आपके घर, आपके पढ़ाई में या आपके ऊपर पिताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पिताजी का इन्वेस्ट एचआर है, और आपके साथ अगर डिस इन्वेस्टमेंट करना हुआ तो क्या हुआ? जो पैसा पढ़ाई में लगाया, कोई आया बोले कि शादी करना है भाई, आप मुझे दे दो, डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी पैसा निकालना हो गया। सरकारी कंपनियों के साथ क्या होता है, मैं वही दोहरा रहा हूं बार बार, दो तरह का होता। अगर हिस्सेदारी कुछ दिया तो टोकन डिस इन्वेस्टमेंट, यानी मालिकाना हक नहीं दिया। और अगर क्या किया, प्राइवेटाइजेशन, यानी अगर स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट किया, यानी मालिकाना हक ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ये पॉपुलर वर्ड है भाई, क्या स्ट्रेटेजी है, सोच समझ कर। स्ट्रेटेजी की हिंदी होती है सामरिक। तो क्या विनिवेश आप समझ पाए? आपसे कोई सामरिक विनिवेश पूछे तो समझ पाएंगे? सांकेतिक विनिवेश पूछे तो समझ पाएंगे आप? टोकन डिस इन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आप मेरे ख्याल से समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। तो मैं बात कर रहा था निजीकरण की। तो भाई निजीकरण बड़ा तेजी से भारत में चल रहा है, ठीक है, निजीकरण बहुत तेजी से भारत में चल रहा है। अब इसमें क्या है ये समझो इस बात को, भारत में जब तेजी से निजीकरण चल रहा है तो इसमें क्या है कि क्या सही है और क्या गलत है निजीकरण को लेकर के, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। क्या समझने की जरूरत है इस बात को, वाई निजीकरण क्यों, अगर मैं ये बात करूं निजीकरण क्यों, तो आपको इस चीज समझना पड़ेगा, आजादी के बाद से, यानी 1947 के बाद से, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कोई डाउट, मिक्स्ड इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, क्या कह दोगे, सह अस्तित्व, आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस। पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब निजी, दोनों का सहस्य तो भारत में पाया गया। मान लीजिए मैंने कहा निजीकरण क्यों करना पड़ा, सरकारी नौकरी देखिए बड़ी खासियत है इसकी, सरकारी जॉब की एक खासियत ये थी, सबसे प्लस पॉइंट ये है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप भी इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो खासियत क्या है, पैसा कम मिले लेकिन क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मैं क्या बोलना चाह रहा था इसको समझिए, सरकारी नौकरी का क्रेज आज भी नहीं गया है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि सरकारी नौकरी पाया हुआ कोई लड़का अगर वो कुंवारा है तो अपने रिश्तेदारी में ध्रुव तारे की तरह चमकता है, ठीक है, वो इसलिए होता है। और आप समझते होंगे आपके कुछ दोस्त जो सेलेक्ट हुए होंगे, जॉब में होंगे, वो अपना अचानक उनका डिमांड इतना बढ़ जाता है, अचानक उनका मान जान इतना शुरू हो जाता है, आप महसूस कर सकते हो। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसको समझो कि भारत में नौकरी केवल जीविका का साधन नहीं है, मैंने सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी भारत के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर आपके स्टेटस का सिंबल है,
ये लोगों की सोच से जुड़ा हुआ है कि अगर सरकारी नौकरी है तो उसकी जॉब सिक्योर होगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दिक्कत कहां आई? यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस कर्मचारी को क्या बना देता है? आलसी बना देता है, या नाकारा बना देता है। वो सिक्योर है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं क्यों जरूरत हुई इसकी बात बता रहा हूं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो भी मुझे इतना ही मिलेगा, मेहनत नहीं करूंगा तो भी मेरी सैलरी कहीं नहीं जाएगी, नौकरी मेरा कोई ले नहीं सकता है, अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया तो कोर्ट का रास्ता है जिसे मैं अख्तियार कर सकता हूं, और कोर्ट में जाकर के फिर मैं मुकदमा लड़ करके फिर मैं बहाल हो जाऊंगा। बहाल होने का मतलब फिर से रिज्वाइनिंग करवा देना, तो मैं बहाल हो जाऊंगा, फिर मुझे जितने दिन मैंने नौकरी नहीं की है उतनी सैलरी एक साथ इकट्ठा मिल जाएगी, फिर सब कुछ ठीक है। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है, लोगों के अंदर काहिलपन या नाकारापन ला देता है, यानी इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी? सुरक्षा की भावना से आलसी। इसकी क्या होगी कि परफॉर्मेंस पे नकारात्मक असर, और इससे क्या होगा, फाइनली कंपनी के पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। कंपनी पर नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन सेम चीज की कोई प्राइवेट कंपनी है, अब इसके ना काम नकारा बनने के कुछ और रीजन है, एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, और इसमें क्या है, इसे पता है कि मुझे अगर ये कंपनी, मेरी सरकारी कंपनी बहुत आगे बढ़ जाएगी तो भी मुझे सैलरी का ही जो फिक्स्ड है वही मिलेगा, उससे और ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो नहीं करूंगा तो भी वही मिलेगा, करूंगा तो भी वही मिलेगा, तो क्यों करूं? यहां क्या है, सेम चीज की कंपनी है, और यहां बॉस क्या है, प्राइवेट निजी क्षेत्र का बिजनेसमैन उद्यमी है। और मैंने कहा था कैपिटलिज्म पढ़ाते समय, क्या पूंजीवाद पढ़ाते समय, कि वो केवल प्रॉफिट सोचता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का आदमी कहेगा खूब मेहनत करो, वो उसके सर पे बैठा रहेगा, उससे खूब मेहनत करवाएगा, मेहनत करवाने के बाद उसे कहेगा मेहनत करो और प्रॉफिट में हिस्सा भी लो, जिसे इंसेंटिव कहते हैं। अब ये जब जिसे लगेगा यार मुझे तो और लाभ मिल रहा है, तो और मन से काम करेगा वो। तो इससे क्या हुआ, सरकार को दिखा कि एक ही चीज की सरकारी कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रहा है, और उसी चीज की दूसरी चीज की क्या, गवर्नमेंट कंपनी है, इसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सॉरी प्राइवेट कंपनी है, इसका परफॉर्मेंस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक बात होगी, वो ये होगा कि सरकार सोचेगी क्या करें इसको कि ये एम्प्लॉई ठीक हो जाए। तो क्या हुआ, सरकार सोचती क्यों ना इसे निजी हाथों में बेच दें, क्यों ना इसका निजीकरण कर दें। अब निजीकरण करेगा तो क्या होगा, मान लिया ये क्या 100 करोड़ की कंपनी है, एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसने एक व्यक्ति के हाथ में 80 करोड़ में इसकी हिस्सेदारी बेच दी, 80 करोड़ में ओनरशिप क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, 80 करोड़ में इसकी ओनरशिप क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो उससे क्या होगा, दो बातें हो गई इससे, यानी ये 100 करोड़ की अगर कंपनी है 80 करोड़ में इसे बेच दिया तो इससे दो फायदा हुआ, 80 करोड़ में बेचा, पहली बात सरकार को पैसा मिला, और दूसरी बात क्या है, बोला एम्प्लॉयों को निकालना नहीं है आपको, आपको उनको मॉनिटर करना और उनसे काम निकालना है प्राइवेट कंपनी का। अब जब 80 करोड़ रुपया देकर कोई कंपनी का ओनर बन जाएगा, आप मुझे बताओ काम लेगा कि नहीं लेगा,
वो आपसे जीतोड़ मेहनत करवाएगा, आपके सर पे बैठा रहेगा और आप काहिलपन या आलसीपन नहीं दिखा पाओगे, आपको काम करना पड़ेगा। इससे दूसरा क्या फायदा होगा कि कर्मचारी का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। कर्मचारियों का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे क्या फायदा होगा, जो इम्प्लॉयज हैं उनका परफॉर्मेंस तेजी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बात है, दूसरी चीज क्या है, ये गवर्नमेंट ने सोचा और गवर्नमेंट इससे आगे बढ़ गया करने के लिए, क्या फैसिलिटेट करने के लिए, क्या प्राइवेटाइजेशन व्यवस्था को। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या होता है, दूसरी बड़ी चीज क्या होती है, गवर्नमेंट के तर्क, प्राइवेटाइजेशन के पीछे गवर्नमेंट के तर्क, सरकार के तर्क, लॉजिक, गवर्नमेंट्स लॉजिक, सरकार के तर्क। पहली बात गवर्नमेंट क्या कहती है, टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री और गवर्नमेंट, कंट्री या गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से क्या किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। मैंने बताया आपको कि भाई 80 करोड़ में अगर बेचेंगे तो सरकार को एक रेवेन्यू जनरेशन होगा या धन की क्या होगी, उगाही होगी, कैश जनरेशन होगा, इससे स्थिति क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट का पहला तर्क ये था। दूसरा तर्क क्या गवर्नमेंट का होगा, वही टू जेनरेट कैश, नगद की उगाही करना फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज फाइनेंशियल डेफिसिट, यानी सरकार के वित्तीय घाटों को भरने के लिए क्या करना, धन की या नकद की उगाही करना, ये उद्देश्य होता था। कैसे भाई, देखिए वित्तीय घाटे क्या होते हैं सरकार के। अब एक बात बताओ, सरकार के पास कुछ इनकम होगी, घाटा बहुत आसान बात है भाई। सरकार का घाटा अगर समझना है आपको, बहुत सिंपल बात है, अपना घर का घाटा समझ लीजिए। घर में आइए, घाटा समझना हो, अब हो सकता है परेशान होते होंगे, क्या फिजिकल डिफिसिट किसे कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो घाटे होते हैं ना, वित्तीय घाटा या फिर राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, चालू खाते का घाटा, व्यापार घाटा, ये सब क्या होता है, बच्चों को ये टर्म थोड़े परेशान करते हैं, किसमें, इकोनॉमी में। एकदम घबराना नहीं है भाई,
सिंपल बात है, घाटा समझना हो ना तो घर पे समझ लो। पिताजी कमा रहे हैं आपके, कमा रहे हैं, कम खर्च हो रहा है, ज्यादा तो बताइए क्या होगा, घाटा होगा। देश के साथ भी यही है, सरकार की आय कम हो रही है, सरकार का खर्च ज्यादा हो रहा है, तो सरकार को क्या होगा, वित्तीय घाटा होगा। मैंने कहा फाइनेंशियल डेफिसिट मैनेज करने के लिए। तो भाई सरकार को एक साल में मान लो टैक्स कम मिला और सरकार को पैसा बहुत बांटना पड़ा, जैसे मान लीजिए इस साल की स्थिति होगी सरकार की, बहुत घाटे की जाने स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है कंपनियों से, लॉकडाउन के कारण कंपनियां बंद थी। एक बात दिमाग में कहीं बैठा लीजिए, मैं टैक्सेशन बताऊंगा, लेकिन एक बात बैठा लीजिए दिमाग में, सरकार को सबसे ज्यादा फायदा होता है या कैश जनरेशन गवर्नमेंट का टैक्स के रूप में, कॉरपोरेट टैक्स जिसे कहते हैं, निगम कर से होता है, इसे सुपर टैक्स भी कहते हैं। क्लियर? यानी पैसा जो है वो आता उससे। अब देखिए इस बात को, उत्पादन इस साल हुआ नहीं, कंपनियां खुद घाटे में जाएंगी तो सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार को भी घाटा होगा। और ऊपर से क्या है, सरकार को खर्च ज्यादा करना पड़ा, कैसे, सब्सिडी के रूप में, मनरेगा के रूप में, पीडीएस के रूप में, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसे कहते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का महा आर्थिक पैकेज देना पड़ा। यानी ठीक वैसे ही है कि पिताजी सस्पेंड हो गए और उसके बाद इसी बीच में बहनों की शादी निपटानी है, ठीक है, एक दो और लोग जो है रिलेटिव्स, वो उनकी भी बेटियां आ गई हैं, उनका भी शादी उन्हें निपटाना पड़ रहा उसी साल। तो बताओ उस साल बजट क्या होगा घर का, एक तो इनकम भी नहीं है, दूसरे चीजें तो क्या पिताजी क्या करेंगे। पिताजी सिंपल सी बात है कि उस घाटे को भरने के लिए जो घाटा होगा, पिताजी अपने घर पे रखी हुई किसी चीज को बेचेंगे। जैसे मान लो उनके यहाँ राइस मिल चल रहा हो या आपके यहाँ छोटी मोटी कुछ काम चल रहा हो, उसको क्या करेंगे, वो पूर्णतया बंद कर देंगे और उसे या तो फिर क्या करेंगे, वो बेच देंगे। सरकार भी यही करती है, क्या, कैश करने के लिए, अपने घाटे को भरने के लिए सरकार क्या करती है, यार हमारे पास जो कंपनी है उसको तो बेच दे, इससे क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा सरकार का जो तर्क है, टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, फॉर पीएसयूज, अभी बताया पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग्स, यानी जो सरकारी कंपनियां हैं, कंपनियों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से भी सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेचना शुरू कर दी। यानी उनका मतलब था कि प्राइवेट लोग आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया मॉडर्न तरीका आएगा, तो जो पहले से आजादी के समय से चल रहा है उसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा और नए तरीके से सरकार नई कंपनियों को आगे बढ़ाएगी, इससे ये फायदा होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज कुड बी इफेक्टिव utilized to improve the
परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। वही बात है कि अगर निजी क्या आएगा, पूंजी आएगी, और निजी पूंजी में क्या दिक्कत है, मैंने कहा था कि निजी कंपनियां क्या होती हैं, वो प्रोफेशनल आईआईएम से किए हुए लोग को सीधे हैंडल करती हैं, उसमें जो एमबीए किए हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनकी मैनेजरियल स्किल क्या है, बहुत हाई लेवल की होती है। जबकि क्या होता है पीएसयूज में, नीचे के एम्प्लॉय को ही धीरे 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 प्रमोशन के आधार पर क्या किया जाता है, ऊपर भेजा जाता है, या उसके टॉप पर किसको भेजा जाता है, आईएएस ऑफिसर्स को, जैसे ओएनजीसी, ओआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, इनके जो टॉप बॉसेस बनते हैं वो कौन बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। अब आईएएस ऑफिसर्स क्या है, एक बार उसने अपनी जिंदगी में नौकरी से पहले एक यूपीएससी की परीक्षा पास की है, तब से वो फील्ड में आके अपना प्रशासन संभाल रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप पीएसयूज के ओनर बन जाते हैं, मालिक, या उसके ऊपर सीएमडी बन जाते हैं, तो ये मांग होती है कि आपको एक प्रोफेशनलिज्म, यानी प्रॉपर तरीके से मॉडर्न वे में, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, आईएएम जैसे संस्थान से आपने डिग्री ली हो, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी यही सोचती थी कि इससे क्या है कि मैनेजरियल स्किल्स बहुत बढ़ जाती है अगर हम प्राइवेट हाथों में इसमें बेच पाएंगे। तो गवर्नमेंट के भाई देखो अपने तर्क हैं किसी चीज को बेचने के, ठीक है ना। और इन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन विल अट्रैक्ट मोर एफडीआई इन द country and which will improve the foreign currency reserve, ठीक है, which will improve the foreign currency reserve, यानी ये क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और ये क्या करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा, इट विल इंप्रूव द फॉरेन करेंसी रिजर्व फॉर द कंट्री। एफडीआई आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं यहां पे थोड़ा सा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने हालांकि बता रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं, यानी प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, ये स्कोप मिलेगा कि नई कंपनियां जब आएंगी, ये प्राइवेट लोग खींचेंगे, तो विदेश से भी पूंजी आने के भी चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा विदेशी पूंजी भंडार बढ़ जाएगा। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहा है इस टॉपिक में, प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, एफडीआई ये क्या कह रहा, तीर बढ़ जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगा। अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ने से भाई किसी देश के पास विदेशी मुद्रा है तो ट्रेड क्या होगा, ट्रेड बैलेंस बहुत अच्छा होगा, और इससे क्या होगा, इकॉनमी, समझ पा रहे हैं इस बात को,
मजबूत होगी, बढ़ेगी या स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। इससे इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी, बढ़ जाएगी इससे अर्थव्यवस्था। तो भैया एफडीआई का मतलब क्या होता है, एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन विदेशी विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है एफडीआई, समझिए इस चीज को। मान लीजिए दो तरह है, ये इंडिया बाजार है, इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में रॉबर्ट नाम का कोई व्यक्ति, रॉबर्ट नाम का व्यक्ति कोई क्या कर रहा है, निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है रॉबर्ट किसमें, इंडियन मार्केट में। तो रॉबर्ट का इंडियन मार्केट में पैसा लगाना, रॉबर्ट दो तरीके से यहां पैसा लगा सकता है, क्या, एक तो या तो न्यू फैक्ट्री खोले और दूसरा एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में हिस्सा ले, हिस्सेदारी खरीदे। अच्छा, हिस्सेदारी खरीदने का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी खरीदने का मतलब है कि अपने हिस्से को किसी के द्वारा बेचना, ठीक है। तो अब हिस्सेदारी खरीदे या ये करे, तो इससे क्या है, न्यू फैक्ट्री लगा सकता है या हिस्सेदारी बेचता है, और हिस्सेदारी बेचना ही तो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया है। तो सरकार अगर बेचेगी तो हो सकता है बहुत अच्छा दाम देके कोई विदेशी आ जाए, इससे क्या हो जाएगा, सरकार का कैश जनरेशन हो जाएगा, इससे एफडीआई आना कहते हैं, क्लियर हो गई बात। और अगर नई फैक्ट्री लगाता है एफडीआई के रूप में सरकार रॉबर्ट, तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई, ग्रीन फील्ड एफडीआई, भूल तो नहीं रहे आप लोग, ग्रीन फील्ड एफडीआई इसे कहते हैं। और अगर हिस्सेदारी, ठीक है ना, पहले में किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में खरीदता है तो उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड एफडीआई, ऐसे क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं, ठीक है ना, ग्रीन फील्ड एफडीआई या फिर ब्राउन फील्ड एफडीआई इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ में आया, गवर्नमेंट का तर्क कि भाई इससे क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, इसके नेगेटिव्स क्या क्या होंगे, नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। नेगेटिव ये होगा बच्चों कि अब क्या राइट मूव और रॉन्ग मूव, तो कह सकते हो कोई पूछे क्या निजीकरण करना एक सही कदम है, तो लिखिए कुछ हद तक सही और कुछ हद तक गलत। सही कैसे, गलत कैसे, सही के पक्ष में गवर्नमेंट के तर्क दे दें आप, गवर्नमेंट्स लॉजिक, गलत के पक्ष में बात करिए कैसे। पहली बात देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन करना गलत क्यों है। इंडिया डेमोक्रेसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, अगर सरकार सब कुछ बेचने लगेगी, ठीक है,
तो इट विल हैम्पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर इन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि सोशल वेलफेयर या लोक कल्याण, लोक कल्याण की जो भावना है उसे ये प्रभावित करेगा। कौन? निजीकरण। कैसे प्रभावित करेगा समझिए। लोक कल्याण कहता है कि भाई लोगों का शोषण ना हो, लोक कल्याण यह कहता है सामाजिक न्याय हो, लेकिन जैसे ही ओनरशिप किसकी आ जाएगी, प्राइवेट की आ जाएगी या फिर निजी उद्योगपति की आ जाएगी, तो वो केवल एक शब्द जानता है, वो है प्रॉफिट, लाभ, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी एन केन प्रकारेण, वह केवल लाभ जानता है, वह लाभ किसी भी कॉस्ट पे आ जाए, चाहे वो प्रकृति के कॉस्ट पे आ जाए, चाहे वो इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे आ जाए, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ हो या फिर वो डिग्निटी हो, कोई भी कॉस्ट हो, बस क्या चीज होती है? प्रॉफिट। इसलिए निजीकरण जब हो जाएगा तो नुकसान ये हो जाएगा कि जो लोक कल्याण की भावना है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज क्या हो जाएगी? मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द मार्केट। बाजार में एकाधिकार हो जाएगा किसका? निजी क्षेत्र का। बाजार में निजी क्षेत्र का क्या हो जाएगा? एकाधिकार हो जाएगा, जिसका परिणाम यह आएगा, बाजार में निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली आ जाएगी किसकी? प्राइवेट सेक्टर की, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, जिसका परिणाम क्या आएगा कि ये अपने हिसाब से मार्केट को ऑपरेट करेंगे, यानी प्राइस, डिमांड, सप्लाई, सब कुछ, यानी कीमत या मूल्य, मांग और क्या, सप्लाई को हिंदी में क्या बोलेंगे? आपूर्ति। ये अपने हिसाब से तय करेंगे, यानी रेट क्या होगा किसी वस्तु का ये खुद तय करेंगे, अपनी सुविधा अनुसार तय करेंगे, अपने लाभ के हिसाब तय करेंगे, सरकार देखती रह जाएगी क्योंकि सरकार ने तो सब कुछ बेच दिया है, यानी मोनोपोली हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? कंट्रोल बाजार से हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट विल लूज इट्स कंट्रोल ओवर मार्केट। सरकार बाजार पर अपना नियंत्रण खो देगी। सरकार बाजार पर अपना नियंत्रण क्या करेगी? खो देगी। ये चीजें हो जाने के बाद गवर्नमेंट विल लूज इट्स कंट्रोल ओवर द मार्केट। जैसे मैं बताऊं, सरकार की सब कुछ अगर सरकार बेचने लगेगी, सरकार सब कुछ बेचने लगेगी, तो सरकार का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा।
सरकार का अपना अस्तित्व कुछ नहीं रह जाएगा, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास बहुत खेत है, अब सरकार को क्या करना चाहिए, अब उसके बाद से और क्या होगा, चलिए इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे सरकार को क्या करना चाहिए कुछ उदाहरण के साथ, ठीक है। अगला और क्या होगा, कर्मचारियों का शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का क्या होगा, शोषण होना शुरू हो जाएगा, भयंकर शोषण कर्मचारियों का शुरू होगा, और उसके बाद से क्या होगा, इन्हें नौकरी जाने का हमेशा डर बना रहेगा, और वो कम पैसा दे करके या फिर कम पेमेंट दे करके उनसे अधिक काम कराएंगे, उनका अपना अधिकार नहीं रह जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि वो शोषण के लिए बाजार में छोड़ दिए जाएंगे, किसके, निजी हाथों के द्वारा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताऊं आपको कि क्या सही कदम है, बिल्कुल सही कदम नहीं है। क्यों सही कदम नहीं है, दो तीन मैंने उदाहरण बताया कि सरकार अपना कंट्रोल खो देगा। कैसे सरकार अपनी कंट्रोल बाजार के ऊपर खोल देगी, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं गांव का, फिर अपने आप समझ पाओगे कि यानी जितना कुछ हो रहा है, आप अपना टेक ये रखिए कि ये बहुत सही बात नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, भारत में, ठीक है, डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल क्रांति लाने का देन जाता है जियो को। किसको जाता है, मानते हैं इस बात को, जियो को डिजिटल डिजिटल रेवोल्यूशन का श्रेय जाता है जियो को। डिजिटल, जियो किसकी कंपनी है, फोन है, मोबाइल नेटवर्क, इसी के साथ देख लीजिए एक है कौन, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सरकारी है, ये क्या है, प्राइवेट। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि भारत में डिजिटल क्रांति जियो ही क्यों लेके आया, बीएसएनएल क्यों नहीं, क्या मुकेश अंबानी जी के पास भारत सरकार से अधिक पैसा है, उसका जवाब होगा नहीं, मुकेश अंबानी जी के पास भारत सरकार से अधिक पैसा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे मैनेजरियल प्रॉब्लम है, यहां दिक्कत है, यहां क्या, यहां प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाता, यहां सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, यहां सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, यहां मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यहां क्या है, अधिकारियों में कम्युनिकेशन गैप है, यहां अधिकारियों में क्या है, कम्युनिकेशन गैप है, यहां पे क्या है, अधिकारियों में कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस क्या हुआ। तो क्या लगता है, और जबकि यहां पे क्या चीजें हैं, प्राइवेट ओनरशिप है, सबको नए नए प्लान, न्यू प्लान्स दिए जा रहे थे, इस तरह की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, आप सबके सामने है, इसने भारत में क्रांति ला दिया। मैंने कहा था कि ऐसी बड़ी मछली बना कि छोटी छोटी मछलियों को ऐसे ही निगल गया। तो क्या सरकार को बीएसएनएल बेच देना चाहिए, आपको क्या लगता है, इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। ये तो ठीक वैसे हुआ कि कोई बच्चा
घर में अच्छा नहीं कर रहा है तो उसे परिवार क्या करे, अपने सारे प्रॉपर्टियों से बेदखल कर दे, उसे घर से भगा दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तैयारी कर रहे हैं और आपका मान लीजिए ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे आपका बहुत अटेम्प्ट देना पड़े इस तरह की चीजें हो, नहीं हो रहा हो, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है, तो पिताजी तुल गए क्या अब आपका क्या करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन। कैसे प्राइवेटाइजेशन? आप अब मालिकाना हक ट्रांसफर होगा। कैसे? विनिवेश होके, मैंने बताया दहेज लेके क्या किया, पिताजी ने शादी कर दी, अब क्या हो गया, कोई और आ गया आपके जीवन में। तो एक बात तो तय है कि जैसे मालिकाना हक बदलता है परफॉर्मेंस सुधर जाती है। समझ पा रहे हैं बात को? तो जब परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सही तरीका है? नहीं। सही तरीका क्या है? बैठना पिताजी का, पिताजी से बात करना, या पिताजी का आपसे बात करना कि देखो कहां समस्या आ रही है, उस पे काम करो और तुम्हारा सिलेक्शन होके रहेगा। सरकार को क्या करना चाहिए? इफ BSNL इज नॉट परफॉर्मिंग तो व्हाट डज इट मीन, उसके मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, कम्युनिकेशन गैप को हटाना, बैठना, बात करना और दंड और पुरस्कार की नीति अपनाना, यानी जो सबसे अच्छा टॉप परफॉर्मर कर्मचारी हो उसे हिस्सेदारी में भाग, यानी प्रॉफिट में हिस्सेदारी देना, और क्या मैनेजमेंट के लेवल पे बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करना, तब उसके बाद से परफॉर्मेंसेस की बढ़ा देना, ना कि इसको बेच देना और जियो को प्रमोट कर देना। ये कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि आप क्या है अगर सब कुछ बेच देंगे। एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उदाहरण ये है कि मान लीजिए गांव से हैं आप, दो छोटे छोटे उदाहरण दूंगा आपको निजीकरण समझाने के लिए, वहां से अपने आप आपको क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति है गांव का और उसके पास मान लो गांव में 100-200 बीघे खेती हो, बीघा नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो 100 एकड़ खेती हो, इतनी ज्यादा खेती है, तो भूमि एक एसेट है। अब वो क्या करे हर रोज, अच्छा जब वो गांव में चल रहा है इतनी ज्यादा खेती या इतनी संपत्ति वाला व्यक्ति, उसका बड़ा सम्मान है। अब गांव में जैसे जैसे वो जाता है हर व्यक्ति उसे क्या कहे, बहुत प्रणाम करता है, सम्मान करता है कि इनके पास बहुत खेत है। लेकिन क्या करे वो अचानक सारा खेत बेच दे और खेत बेच करके ड्रिंक कर जाए या फिर कहीं और ऐसी जगह बर्बाद करे, इन्वेस्ट कर दे, आप मुझे बताओ क्या गांव में उसकी वो इज्जत रह जाएगी? नहीं ना। क्या गांव के लोग उसे उतना ही इज्जत देंगे? नहीं ना। क्या होना चाहिए था उसे? उसे ये करना चाहिए था कि उसी खेत में वो रुक के अच्छे से इंडस्ट्रियल फार्मिंग करवाता, कॉरपोरेट फार्मिंग करवाता या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग करवाता और उद्योग यानी इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कैश क्रॉप्स उगाता और पैसा बनाता। सही तरीका तो ये होना चाहिए था, ना कि उसे बेच देता। एक दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास मान लीजिए एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस तो ये उसकी दुकान है मान लीजिए, कहीं है बिल्डिंग में और यहां कुछ मशीनें हैं प्रिंटिंग प्रेस की। अब ये बंद हो चुका है और अगर अभी इसकी स्थिति देखी जाए तो इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों की जमीन और मकान की कीमत मान लो 40 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए है। अब इसका एक ये तरीका ये करे कि इस 40 लाख में से बेच दे और 40 लाख को बेचकर खाना शुरू कर दे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो कि 5 लाख वो लोन ले ले और इन मशीनों को फिर से क्या करे, शुरू करे और फिर वो अपने बिजनेस को बढ़ाए। मुझे बताइए सही तरीका कौन सा है? सही तरीका दूसरा होगा कि अगर जब आपकी कोई जरूरत नहीं पूरी हो पा रही या चीजें नहीं हो रही हो तो आपने क्या करना है, उसको समझना होगा कि भाई हमें उसे हटाना नहीं है, उसे बेचना नहीं है, उसकी क्रियाविधि को क्या करना है, सुधारना है। तो इसलिए आप ग्लोबलाइजेशन क्या कहते हैं, अगर आप बात करेंगे किसकी, प्राइवेटाइजेशन की, तो मुझे लगता है ये बातें कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन व्हाट,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मैनेजेरियल रिफॉर्म्स, यानी सरकार को प्रबंध स्तर तक सुधार करने की जरूरत है, सरकार को प्रशासनिक स्तर पर सुधार करने की जरूरत है, ना कि उसे बेचने की जरूरत है। और जो कंपनी घाटे में जा रही है उसकी क्रियाविधि पे काम करने की जरूरत है और यह देखने की जरूरत है कि कैसे ये बहुत तेजी से या बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस कर सकता है या उसकी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब आता है ग्लोबलाइजेशन। क्या आता है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी वैश्वीकरण। इसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। ठीक है, अब वैश्वीकरण क्या होता है? अगर वैश्वीकरण को कई विभागों में जाके समझा जा सकता है, यानी जैसे इसको पॉलिटिकल वैश्वीकरण हो सकता है, इसे आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, इसे आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे समझ सकते हैं, और फिर इसे आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिसाब से समझ सकते हैं। तो यहां हमारा उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण को समझना किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आर्थिक या अर्थव्यवस्था के ध्यान में रखते हुए वैश्वीकरण को समझेंगे। तो अगर अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वैश्वीकरण को समझेंगे तो कह सकते हैं कि वैश्वीकरण, तो मैं बात कर रहा था ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन देखो बच्चे ग्लोब से बना है। किससे बना है? ग्लोब से। ग्लोब का मतलब क्या है? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मींस दैट इंटीग्रेशन ऑफ, यह एक प्रक्रिया है जिससे अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ सम्मिलन होता है। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे तो ग्लोबलाइजेशन मींस दैट इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड्स अदर इकोनॉमीज। तो सीधे पॉइंट आप लोग बैठे, ठीक है, यानी इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन मींस पेंस टर्निंग द वर्ल्ड इनटू द वन होल, टर्निंग द वर्ल्ड इंटू वन होल, और कह सकते हैं क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, आर क्रिएटिंग ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अब ये तो लिखने वाली बात हो गई, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल समझते हैं, आइए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोब होना। इसका मतलब क्या है ग्लोबलाइजेशन की? देखो हिंदी है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन की हिंदी क्या है? वैश्वीकरण। लेकिन हम अपने तरीके से समझते हैं। ग्लोब जानते हैं, देखिए ग्लोब यहां पे एक रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोब होना,
पूरे विश्व का, क्या खासियत है इस ग्लोब की? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक रूप है, बहुत छोटा रूप है, और इसमें देखेंगे सारे देश बहुत कम कम दूरियों पे हैं। यानी ग्लोब होने का मतलब है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऐसे निकाल सकते हो, ग्लोब होना, या ऐसे कह सकते हो वर्चुअली या फिर आभासी तौर पे दूरियों का कम होना। कम होना, दूरियों का कम होना। और दूरियां कब कम होंगी? दो परिवारों में दूरियां कब कम हो जाती हैं बताइए? जब आना जाना होगा, यानी इंट्रक्शन, ठीक है? या ऐसे कह सकते हो दूरियां कब होंगी? जब क्या होगा? आयात होगा प्लस निर्यात होगा, ऐसे कह लो, आना होगा जाना होगा। यानी यही तो है वैश्वीकरण। एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ आबाद संचरण, आपस में मिलना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। आपस में मिलने का मतलब क्या है? आयात का और निर्यात का होना आबाद, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैश्वीकरण कहते हैं। यानी मोटी मोटा वैश्वीकरण का मतलब ग्लोब होना, दूरियों का कम होना, ठीक है? अगर मैं बात करूं, कहा गया है कि क्रिएटिंग अ वर्ल्ड इन अ होल, एक सम के रूप में, WHOLE, या क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड। यानी आज ग्लोबलाइजेशन को इतनी प्रगति इसलिए मिली, इसका सारा श्रेय जाता है इंटरनेट या IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका श्रेय किसके जाता है? IT को, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना क्रांति या सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना, ठीक है? आज दूरियां कम हो चुकी हैं इस, और आज के जमाने में जान लीजिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? सूचना है, डेटा। आज देखिए किसके बात है, यानी एक टर्म अब यूज हो रहा है, डेटा इज न्यू फ्यूल, ठीक है? और सूचना जिसके पास जितना ज्यादा है आज, वो उतना वो देश, वो व्यक्ति उतना ताकतवर है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपसे सूचनाएं ही पूछी जाती हैं कि ये कब हुआ जानते हैं आप? अगर सूचना है ट्रिक करिए, आगे बढ़िए, नहीं तो मेंस में लिखिए। और आपको सत्ता दे दी जाती है, पावर दे दी जाती है, आप SDM बन जाएंगे, DM बन जाएंगे, कितने पावरफुल हो जाएंगे। यानी सूचना आज ताकत है। मैं कहना क्या चाह रहा था, ग्लोबलाइजेशन जब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज ग्लोबलाइजेशन के कारण विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हो चुकी हैं। ये आपस में आबाद संचरण एक दूसरे के साथ कर रही हैं। इसका खासियत क्या हो रहा है, इसका कमाल क्या हो रहा है कि इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था इंटरेक्शन कर रहा है, भारत को एक अलग प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहा है, ठीक है? अब मैं बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है जो आपके PCS में क्वेश्चन भी पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। वैश्विक ग्राम, वैश्विक ग्राम की अवधारणा क्या है? 2018 PCS में से सवाल आया था, वैश्विक ग्राम की अवधारणा क्या है? What is the concept of global village? ठीक है, देखिए इसको दिया था एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान, इन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम की भूमिका दी। यानी पूरा विश्व, इन्होंने कहा, ठीक है, कि पूरा विश्व, ये MC है मैकलुहान, MC
एल यू एच एन, मैं फिर से लिख दूं, एम सी एल एल यू एच एन, ठीक है। क्या ये कहते हैं? मैक्लुहान कहते हैं कि पूरा विश्व आज एक गांव बन चुका है, ग्लोबल विलेज बन चुका है। गांव क्यों कहा इन्होंने? एक तो ग्लोबल यानी ग्लोब के कारण दूरियां कम होने का कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया। विलेज का मतलब क्या है कि आज शहर और गांव में दो अंतर होता है, मैं आपको बताऊं। गांव में सूचनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा आज पूरी दुनिया क्या हो गई है, एक गांव बन चुकी है। कोई एक चीज कहीं घटित होती है, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन यूएसए विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल एबल टू नो दैट वॉट हैज हैपेंड ओवर देयर। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी जैसे गांव में कोई सूचना आग की तरह फैलती है, जंगल की आग की तरह फैलती है, जैसे गांव में मैं बताऊं आपको कि किसी के घर पुलिस आ जाए, देखिए पूरे गांव में एक पता चल जाता है, अरे उनके यहां पुलिस आई थी, अरे उनके यहां कुछ हुआ था। यानी गांव क्यों कहा? क्योंकि गांव में सूचनाओं का प्रसार बहुत तेजी से होता है। आज पूरी दुनिया भी क्या हो चुकी है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है सूचनाओं के प्रभाव के कारण। और ये किसका इम्पैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। और मैं आपको बताऊं, आई हैव गॉन थ्रू अ बुक, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक बुक, द वर्ल्ड इज फ्लैट, द वर्ल्ड इज फ्लैट एक किताब है। तो ये जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा 18, पहले इसको देख लेते फिर हम वहां पहुंचेंगे। ग्लोबल विलेज की अवधारणा पे क्वेश्चन ये पूछा था कि ग्लोबल विलेज की अवधारणा किससे संबंधित है, किस बात से संबंधित है। तो ग्लोबल विलेज की अवधारणा क्या? सूचनाओं के आबाद क्या संचार से संबंधित है। ग्लोबल विलेज की अवधारणा दो देशों के बीच आयात और निर्यात से संबंधित है। ग्लोबल विलेज की अवधारणा दो देशों के बीच आबाद व्यापार से संबंधित है। क्लियर हुआ? और अगली बात मैं जो कह रहा था, एक किताब है द वर्ल्ड इज फ्लैट, न्यूयॉर्क टाइम्स के, अगर आपको मौका लगे तो इस किताब के साथ जाइएगा पढ़िएगा, थॉमस फ्रीडमैन, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर हैं थॉमस फ्रीडमैन। और वो इंडिया में आए और इंडिया में भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद से उन्होंने किताब लिखी द वर्ल्ड इज फ्लैट। क्या लिखा इस किताब के अंदर, क्या खास बात थी इस किताब की? उन्होंने कहा दुनिया अब गोल नहीं है, दुनिया क्या है, चपटी हो गई है। कैसे? यानी उन्होंने कहा देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन एनी अदर बिटवीन टू कंट्रीज या इन होल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बोला अब कोई बाउंड्री रह नहीं गई है, और वैश्वीकरण सूचना की इतना तेजी से फैला है कि इस स्तर से चीजें हुई हैं कि उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट यह है कि भारत अब एक आउटसोर्सिंग हब बन चुका है, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है भारत की अर्थव्यवस्था पे। जब हम आबाद संचरण हो लेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, वो क्या है? आउटसोर्सिंग। जब थॉमस फ्रीडमैन इंडिया आते हैं और वो देखते हैं भारत के अंदर, कि जब वो गुड़गांव का दौरा करते हैं, जो सिलिकॉन सिटी है इंडिया की, बेंगलुरु का दौरा करते हैं, दिल्ली का दौरा करते हैं, तो उन्होंने देखा कि रात में बहुत बड़े मात्रा पे भारत में क्या कॉल सेंटर काम कर रहे हैं, जिसे कॉल सेंटर्स को हिंदी में या इंग्लिश दूसरे वर्ड में कहेंगे बीपीओ, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि एक कंपनी के द्वारा सर्विसेज को, सेवाओं को किसी दूसरे देश से हायर करना या इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है? आउटसोर्सिंग। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं क्लास आपको, अगर मेरी क्लास सीधे लाइव अमेरिका चले, तो अमेरिका मेरे
नॉलेज को क्या कर रहा है, वो आउटसोर्स कर रहा है। मेरे नॉलेज सर्विस को क्या कर रहा है, वो आउटसोर्स कर रहा है। मुझे लगता है समझ पाएंगे, आउटसोर्सिंग मतलब दूसरे देश से सेवाओं की सुविधा लेना। तो भारत पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा मार्केट बन गया आउटसोर्सिंग के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यानी आप देखे होंगे कि आपके आसपास पड़ोस में कोई भी हो, और यही कारण रहा, देखिए चीजें इंटरलिंक करना सीखिए। आउटसोर्सिंग बढ़ना एलपीजी के बाद से क्यों सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा, इसको मैं आपको बता रहा हूं। भारत में बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारों की फौज, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी, जनसंख्या बहुत ज्यादा, अधिकतर संख्या में युवाओं को रोजगार चाहिए, और रोजगार पाने के लिए वो किसी स्तर तक जाने को तैयार, यानी वो बार्गेनिंग की कंडीशन में नहीं, वो ये सोचते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आउटसोर्स करने वाली कंपनी के लिए बेस्ट तरीका क्या है, कि ये बहुत चीप लेबर, सस्ता श्रम, एक्सेस ऑफ लेबर, श्रम की अधिकता, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था के क्या है, गुण है। क्या? सस्ता श्रम। एक्सेस ऑफ लेबर, ठीक है, यानी श्रम की अधिकता। अब एक बात बताइए, इंडिया में देखिए क्या सिचुएशन है। अगर कोई कंपनी है, मैंने कहा आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर की जॉब आसानी से लोगों को मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, इसको समझिए। और कॉल सेंटर की जॉब हमेशा क्या रात को मैक्सिमम होती है, क्यों? यूरोप और अमेरिका के देश यहां से सर्विसेज को हायर करते हैं, और होता क्या है, यहां पे इन्हें 24/7 काम करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, सस्ता मिल जाता है। जैसे विदेशों में क्या है, एक वर्क कल्चर है। वर्क कल्चर क्या है, अगर वो मंडे से फ्राइडे काम कर रहे हैं, फ्राइडे जैसे ही ऑफिस छोड़ा उन्हें, अब बॉस उन्हें फोन नहीं कर सकता, ठीक है, वो अब बॉस का फोन तभी अटेंड करेंगे जब मंडे को ऑफिस जाएंगे। बीच में पूरा टाइम उनके फैमिली के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है। आपका बॉस कभी भी आपको फोन कर सकता है, और वो आपको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। और आप किस में जीते हैं, ओवर टाइम में जीते हैं। जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 घंटे और कर लिया, तो फिर आप जोड़ते हैं 12 दिन मैंने कर लिया, 30 दिन कर लिया, तो मुझे इतना मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ लेबर होने के कारण मजदूर क्या है, शोषण के लिए स्वतः प्रस्तुत हो जाते हैं। अब ये स्थितियां क्या बना देती हैं, ये स्थितियां बना देती हैं विदेशी कंपनियों के लिए, एक चीप लेबर, सस्ता श्रम उन्हें उपलब्ध हो जाता है। और जब उन्हें सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, उस सस्ते श्रम का वो क्या करते हैं, बहुत आसान तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसलिए क्या एक बहुत ही अच्छा माहौल बना किस चीज के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए भारत में, ठीक है। और इसने क्या किया, भारत में एक तो आईटी और कम्युनिकेशंस फील्ड को बढ़ाया, और दूसरा क्या किया, दूसरा ये हुआ कि ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा, इंडिया का ग्रोथ बढ़ा। तीसरी चीज क्या हुई ग्लोबलाइजेशन के कारण, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किसमें, जीडीपी में बढ़ गया। मेरे ख्याल से अब और क्लियर हो रहा होगा कि क्यों सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अधिक है। इसके पीछे का क्या है, 1991 के बाद से एलपीजी रिफॉर्म्स था, ठीक है। और क्या हुआ, एलपीजी का ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट दूसरा क्या आया, ग्लोबल फुटप्रिंट
ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्लोबल फुटप्रिंट किसे कहते हैं? यानी वैश्विक छाप मिली, वैश्विक छाप मिली किसको? भारतीय कंपनियों को। यानी लॉट्स ऑफ इंडियन कंपनीज हैज ग्लोबल प्रेजेंस। पर्सन्स ग्लोबल, यू नो आई मीन ग्लोबल प्रेजेंस उनको मिला, यानी ग्लोबल प्रेजेंस मिला यानी वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने को मिला। अगर मैं बात कहूं किसकी, अगर ONGC की बात करूं, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है, तो ये मोर देन 16 कंट्रीज, 16 देशों में यह भारतीय कंपनी तेल खोज रही है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, टाटा की, तो यह दुनिया के टॉप 5 आयरन स्टील कंपनी में शामिल है। आयरन स्टील की कंपनी में शामिल है अगर इसकी बात करेंगे हम, किसकी, टाटा की, ठीक है। और विश्व स्तर पर इस पे इट हैज मोर देन व्हाट 50,000 एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड। समझ पा रहे हैं? 50,000 से अधिक भी कर्मचारी इसके हैं। कहां? इसी तरह से आप डॉक्टर रेड्डी का नाम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ा, ठीक है, किसका, ग्लोबलाइजेशन का। अगर आप ओवरऑल LPG के इंपैक्ट को देखने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसे लिख लो इंपैक्ट ऑफ LPG ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, क्या LPG या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इंपैक्ट नई औद्योगिक नीति के प्रभाव, अगर हम देखेंगे, अगर उस कुछ पॉइंट में हम देखने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं क्या कि ग्रोथ रेट बढ़ा है, नो डाउट ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ा है। यानी अगर आप बात करें, ठीक है,
जब ये आजादी आई यानी 1992-91 कर लो आप, तो ग्रोथ रेट क्या था हमारा? 5.6% था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2007 से 12 तक में, यानी इस पंचवर्षीय योजना में, किसमें 11th फाइव ईयर प्लान की बात करें, 7 से 12 किसका होगा? 11th प्लान की बात करें बच्चे, तो भैया ये 8.2 तक आ गया। तो इसका किसको जाएगा श्रेय? इसका श्रेय जाता है LPG को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। लेकिन ये जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा असमान रहा, यानी कैसा रहा ग्रोथ इस टाइम पे? वो ऐसा रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर या यूं कह लो प्राइमरी सेक्टर, ये ग्रोथ घटा है। सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन थर्ड सेक्टर या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ क्या है? बढ़ा है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा है, क्लियर हुआ इसमें? और क्या हुआ है एलपीजी में? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं केवल FDI लिखूं तो चलेगा? ये क्या हुआ भाई? बढ़ा है। ये एरो समझ पा रहे हैं? बढ़ा है। और क्या हुआ है? फॉरेन करेंसी रिजर्व भी क्या हुआ है? बढ़ा है। और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ है? बढ़ा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII भी क्या हुआ है? बढ़ा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। अब आपने सुना, सोचा होगा FII क्या है, ठीक है। तो FDI मैंने बताया कि रॉबर्ट कहां पैसा लगाना चाहता है? इंडिया में पैसा लगाना चाहता है। या तो ग्रीनफील्ड FDI करेगा या तो ब्राउनफील्ड FDI करेगा। क्या रॉबर्ट कहीं और भी पैसा लगा सकता है? यस, रॉबर्ट के द्वारा शेयर बाजार में पैसा लगाना FII कहलाता है। अभी सिंपल बात समझ में आए? FII का मतलब होता है, मैं हॉट मनी बताते समय बताया था, आप याद रखिए, FII का मतलब होता है क्या विदेशी द्वारा, विदेशियों द्वारा भारतीय शेयर बाजार पर पैसा लगा, ठीक है ना। FII भी क्या है इस LPG के बाद? बढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ? सरकार ने नई तकनीक को या ऐसे कह सकते हो टेक्निकल
एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है किसमें? इंडिया के अंदर, देश में तकनीकी विकास हुआ है, टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है इंडिया के अंदर इसके आने के बाद से। एक और क्या है? कंज्यूमरिज्म, इसको कहते हैं उपभोक्तावाद। बढ़ावा मिला है, उपभोक्तावाद का विकास हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? उपभोक्तावाद का विकास कैसे हो समझिए? उपभोक्तावाद का मतलब है कि भाई उपभोक्ता यानी जो उपभोग कर रहा है यानी कस्टमर, उपभोक्तावाद मतलब उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, कौन उपभोग करता है यानी कस्टमर, उपभोग करने वाला यानी कस्टमर। कस्टमर प्रोमिनेंट हुआ है, एलपीजी के बाद से, 19 के बाद से क्या कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, उपभोक्ता बढ़ा है। अब सबसे प्रमुख बात क्या है? जो खरीदने वाला है उसी को सोच करके ये चीजें की गई हैं, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि फायदा कस्टमर का हुआ, कंपनियों को में बहुत तेज प्रतियोगिता हुई, दरवाजे खोले गए, ठीक है। यानी एक ही सेक्टर में किसी और देश से भी एक कंपनी आ रही है, दूसरे देश से भी एक कंपनी आ रही है, दोनों के लिए एक सेम मार्केट है, दोनों के लिए सेम कस्टमर है। इसलिए कस्टमर को क्या, उसे आकर्षित करना है, यानी कस्टमर को प्रोमिनेंट रखा गया। इससे क्या हुआ? बहुत बड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। फाइनली फायदा किसका हुआ? कस्टमर का, ग्राहकों का फायदा हुआ, जिसे कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद कहते हैं। मानते हैं इस बात को? एक उदाहरण मैं देता हूं। एक टाइम था जब 300 या 400 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था आपको, और क्या होता था, आप बहुत संभाल के उसे खर्च करते थे, और अगर कभी भूल गए रात को नेट ऑन रहा और आप भूल गए संयोग से, तो समझ लीजिए स्थिति यह होती थी कि सुबह तक सब खत्म और आप बहुत ठगा हुआ महसूस करते थे। लेकिन कंपनियां आई, जियो जैसी कंपनी आई, उसने क्या किया, इतना तीव्र प्रतियोगिता स्थापित कर दी उस कंपनी ने। क्या हुआ? अब 350 में क्या डेटा बहुत बड़ी मात्रा में फ्री, कॉलिंग फ्री, या रोज 2 GB 1.5 GB डेटा मिलना, ठीक है। तो ये क्या है? फाइनली फायदा उपभोक्ताओं का हुआ, यानी कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये चीज। यानी क्या है, इसके बाद से कंपनियों के बीच क्या प्रतियोगिता, कंपटीशन, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चले, नहीं उच्च स्तर की प्रतियोगिता, उच्च स्तर की प्रतियोगिता शुरू हुआ किसमें? कंपनियों के मध्य। शुरू यानी हाई लेवल कंपटीशन हैज स्टार्टेड बिटवीन व्हाट, कंपनीज, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई? फिर इंडिया एक न्यू इकोनॉमिक पावर के रूप में हुआ, न्यू इकोनॉमिक पावर, न्यू इकोनॉमिक पावर के रूप में इंडिया इमर्ज हुआ, भारत उभरा, भारत नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू इकोनॉमिक पावर, नई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरा। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू इकोनॉमिक पावर,
ठीक है। अब इसका क्या परिणाम आया, क्या अच्छी बात हुई, ठीक है, कि भारत जब एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा तो पूरे विश्व स्तर पर उसकी एक छाप बनी और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ फॉर द वर्ल्ड, यानी इंडिया बिकेम बिग मार्केट फॉर द वर्ल्ड। और यही देखिए कि ये आर्थिक ताकत की ही देन है या एक बहुत बड़ा बाजार बना भारत, इसीलिए विश्व की सभी कंपनियां भारत में आने को लालायित होती हैं। इसीलिए जब भारत के प्रधानमंत्री विश्व के किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो बहुत बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा हो जाता है या वहां पे भव्य स्वागत किया जाता है। आप प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा देख लीजिए, रूस की यात्रा देख लीजिए और लगभग आसियान के 10 आसियान देशों के राष्ट्रपतियों का भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आना क्या दिखा रहा है, एक भारत बहुत बड़ा आर्थिक पावर है। भारत बहुत बड़ा बाजार क्यों है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर पार्टी के तहत। ये 1991 की एलपीजी का देन था, नहीं तो मैं आपको कहानी बता चुका हूं 1991 के पहले भारत कैसे दूसरे देशों के सामने, ठीक है, अपनी क्या खराब स्थिति के कारण क्या समझौते करने पड़े भारत को या फिर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश करने पड़े, यानी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो आप कह सकते हैं इंपैक्ट के रूप में कि भारत एक बहुत बड़े क्या मार्केट के रूप में पूरे विश्व के सामने उभरा और विश्व की सभी कंपनियां, बड़ी से बड़ी कंपनियां मार्केट रूप में क्यों भारत उभर रहा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और जहां जनसंख्या अधिक है वही बड़ा बाजार साबित होता है, ठीक है। और कह सकते हैं इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। मुझे लगता है 8-10 पॉइंट ऐसे मैं आपको बता चुका हूं इंपैक्ट ऑफ एलपीजी के रूप में। मैंने कहा एलपीजी को पहले समझना था क्या क्या है वो, प्राइवेटाइजेशन क्या है, निजीकरण क्या है यानी, और उसके बाद हमने समझा क्या उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण समझा, वैश्वीकरण के प्रभाव समझा, अब ऑन द होल एलपीजी के प्रभाव को हम देख पा रहे हैं, ठीक है, और वो रटने की जरूरत नहीं है। भारत 1990 के बाद से कैसे बदला है, अगर आप 90 के दशक के बाद से, मुझे लगता है कि आप 90 के दशक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदा हुए होंगे जो मेरी क्लास सुन रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो 90 के दशक में बचपन में होंगे, और आप ये कह सकते हैं एलपीजी की जो देन है कि आप भारत को बदलते हुए देखा है आपने, आप वो पीढ़ियां हैं जिसने भारत के परिवर्तन को देखा है। आपके बचपन में शुरू शुरू में टीवी आया था या फिर टीवी आने के बाद से महाभारत, रामायण, शक्तिमान, कृष्णा ऐसे धारावाहिकों का आना, कलर टीवी उतनी मात्रा में नहीं होना, डिश टीवी नहीं हुआ करते थे। मुझे पूरा विश्वास है आप सबने एंटीना वाला वो काम किया होगा, एक आदमी ऊपर जाकर के ऐसे कर रहा है फिर नीचे आया कि नहीं, एक आदमी बैठा रहता टीवी के पास, एक बाहर रहता था, ठीक है, आपने वो चीजें किए हुए 90 के दशक में। लेकिन देखिए परिवर्तन कैसे हुआ है, वो परिवर्तन है उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के टावर नहीं मिलते थे, फिर इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे, मोबाइल से पहले पीसीओ हुआ करता था, सब लोग बात करने के लिए आते थे, बहुत जो प्रोमिनेंट लोग होते थे गांव में उन्हीं के यहाँ क्या होता था, फोन लगा होता है होता था, तो आपने परिवर्तन देखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद से आपने याद कीजिए नोकिया का 3310 3315 सेट, फिर नोकिया का 1100 सेट जो सारे जहां से अच्छा ट्यून बजाता था, फिर उसके बाद से आपने देखा स्मार्टफोन, फिर उसके बाद से पहले टच फोन था, वो बटन वाला फोन था, फिर बटन फोन से स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन से अब हम किधर तक आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एलेक्सा सुना होगा जैसे आप बात कर सकते हैं क्या कि बाहर का वेदर कैसा है, क्या सारी चीजें हैं, यही तो है परिवर्तन। ये चीज देखा आपने, ये देन किसकी है, मैं आपको बताऊं अगर हमने दरवाजे नहीं खोले होते तो आज भारत की एक ही भारतीय कंपनी है माइक्रोमैक्स मोबाइल की, आज आपके पास इतनी वैरायटीज नहीं होती। और वैरायटीज का फायदा क्या है कि वो कम दाम में बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक हाई लेवल कॉम्पिटिशन पैदा हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई देखो जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था पर एलपीजी ने कैसे बदलाव डाला है, तो मुझे लगता है आपने उन बदलावों को जिया है,
आपने उन बदलावों को साक्षात रूप से महसूस किया है, आप ये महसूस कर पा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता भारत की परचेजिंग पावर बढ़ी है, खरीदने की ताकत लोगों की बढ़ी है? आज सबके पास ऑन एवरेज 10,000 का फोन है, क्या आपको नहीं लगता है? आप ही के टाइम पे पीसीओ आया, पीसीओ चला गया, ठीक है, लैंडलाइन फोन चले गए, अब क्या है मोबाइल फोन आया। तो ये सारी चीजें आपने बदलाव को देखा है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को आत्मसात करना है, बच्चे जीना सीखो सब्जेक्ट को, अपने आप उत्तर लिख लोगे। मैं आपसे कहूं कि आपसे कोई कहे कि भाई बताओ क्या बदलाव आया, क्या आप नहीं इस बात को नहीं मानते हो कि जब एलपीजी आया तो दरवाजे खुले अर्थव्यवस्था के, जैसे अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुलने का मतलब अर्थव्यवस्था के ओपन इकोनॉमी है, तो आप कह सकते हो एलपीजी के बाद से ही भारत पहली बार पूर्ण रूप से ओपन इकोनॉमी बना, खुली अर्थव्यवस्था बना। जब खुली अर्थव्यवस्था भारत बना तो भारत भी आबाद संचरण करना शुरू कर दिया, किसके, आयात और निर्यात का, देशों के बीच में। इसका परिणाम क्या आया, इसका परिणाम यह आया कि भारत को भी विश्व में विभिन्न स्तर पर मंच मिलने लगे और भारत भी विभिन्न देशों को अपना बाजार देने लगा। इसका परिणाम यह, जब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा तो भारत का ग्रोथ रेट बढ़ा, और जब ग्रोथ रेट बढ़ा तो आप देख सकते हैं कि भाई जब जो ग्रोथ रेट 5% के आसपास था और आप आके 2012-13-14-15 तक जो ग्रोथ रेट 8% तक चला गया, ये अपने आप में क्या है, डेवलपमेंट का निशानी है। फिर आप इस चीज को सकते हो, जब आपने ग्रोथ देखा तो भैया देखो ऐसा है कि ग्रोथ तो हुआ, सर्विस सेक्टर पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। क्यों ग्रोथ हुआ, मैंने आपको बताया, आउटसोर्सिंग, जॉब की आउटसोर्सिंग बहुत तेजी से हुई, भारत में चीप लेबर था, एक्सेस लेबर था, इसलिए आउटसोर्स की व्यवस्था हुई, तो भारत में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर का बहुत तेजी से बूम आया। जब सर्विस सेक्टर का बूम आया, सरकार ने अर्थव्यवस्था खोली, तो भाई एफडीआई आया और एफआईआई आना शुरू हुआ। एफडीआई एफआईआई आने के बाद से क्या हुआ, अब उसके बाद से बहुत सारी चीजें हो सकती है, न्यू रोजगार मिले, नए रोजगार मिले लोगों को, भारत में नई तकनीकी आई, भारत के पास नई पूंजी आई, भारत का करेंसी रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ गया। आप कह सकते हो इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट हैज बिकम वेरी फेवरेट मार्केट फॉर द फॉरेन कंट्री, फॉरेन इकोनॉमीज या फॉरेन कंपनीज, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से जब प्रतियोगिता बढ़ी तो कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद का विकास हुआ, फिर उसके बाद से भारत एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभर के सामने आने लगा, और वर्तमान में माना जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इंडिया है। और इंडिया की धमक ऐसी है, इस बात को समझिए, खासकर इस गवर्नमेंट में बहुत तेजी से बढ़ी कि भारत पेरिस कॉन्फ्रेंस में जाके कहता है कि पर्यावरण में ये होना चाहिए, एजेंडा 21 पे बारे में बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीव करने की बात करता है, और पूरी दुनिया इस चीज को सुनती है। और आज बहुत बड़े मामलों में क्या है, भारत इकोनॉमिक पावर होने के नाते बहुत सारी चीजें क्या होता है, आप अपनी बातें मनवा लेता है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। मैं एक उदाहरण बताता हूं भारत के इकोनॉमिक पावर होने का, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जो हमारे एयरफोर्स के, ठीक है, क्या जो पायलट थे, जब अभी भारत ने स्ट्राइक किया था, ठीक है, अभिनंदन, तो अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गया और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, और भारत के आर्थिक प्रभाव का ही ये परिणाम है कि 2 दिनों के अंदर सकुशल हमारे जाबाज पायलट को क्या किया गया, वापस किया गया, ससम्मान लौटाया गया। उसका इकोनॉमिक पर्सन क्या था कि उसी समय सऊदी अरब के राजकुमार भारत में आए हुए थे और उन्होंने भारत में जो RIL है, रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका लगभग 11% शेयर लेकर के उसमें, मतलब बहुत बड़े अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, वो डील हो चुकी थी, ठीक है। और ठीक उसके पहले ही, एक दिन पहले, वहां के राजकुमार पाकिस्तान होके आए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए क्या वहां के राजकुमार को एयरफोर्स पे ड्राइव करते हुए लेके आए एयरपोर्ट से, और पाकिस्तान को $20 मिलियन देने का वादा किया, किसने, UAE ने, मतलब
अरब अमीरात ने। अब क्या है कि अभिनंदन कहां, पाकिस्तान में। यह बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था। भारत ने कहा कि मुझे हमारा, हमें हमारा पायलट किसी भी स्तर पे चाहिए। और देखो, युद्ध समस्या का हल नहीं, युद्ध करने में दोनों देशों का नुकसान। तो भारत ने सऊदी अरब से कहा कि अगर आप पाकिस्तान पे दबाव नहीं बनाओगे तो आपका ये जो यहां पे जो डील हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। इसे अरब को अपना नुकसान दिखा। सऊदी अरब ने तुरंत अपने विदेश मंत्री को कहां भेजा, पाकिस्तान भेजा। और पाकिस्तान भेजकर ये कहा कि अगर नहीं छोड़ा, किसको, कैप्टन अभिनंदन को, पायलट अपने अभिनंदन को, तो सऊदी अरब सरकार पाकिस्तान को अपनी दी जाने वाली सहायता राशि बंद कर देगी। इससे पाकिस्तान की हालत वैसे खराब। एक साल के अंदर पाकिस्तान ने लगभग 16 बार आईएमएफ से उधार ले रखा है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्या है, अमेरिका के क्या दया धर्म पे चल रही है। वहां पे उसके लिए पैकेज निकाला जाता है, दान किया जाता है। ऐसे में क्या है कि पाकिस्तान इतने बड़े झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, सकुशल अभिनंदन जी को छोड़ा। ये उदाहरण मैंने क्यों बताया आपको, ये उदाहरण बताता है भारत के इकोनॉमिक पावर होने की। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो आप अपनी विदेश नीति भी अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं या तय करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आप कह सकते हो क्या इस चीज के कारण आया, ठीक है। अब क्या है, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं कि जिसके कारण 1991 के बाद उन चीजों को एड्रेस नहीं किया गया। यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कुछ समस्याएं हैं। भाई देखो, प्रॉब्लम तो अभी भी बनी है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आई, एलपीजी पॉलिसी की देन क्या हुई। देखो, इंडिया या इंडियन इकोनॉमी हैज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे तो पूंजीवाद के कुछ नेगेटिव्स हैं वो भी देखे जा सकते हैं। क्या, गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट हैज बीन इंक्रीज्ड। यानी अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ता गया। यानी अमीर और अमीर होता जा रहा है भारत में, गरीब और गरीब होता जा रहा है भारत के अंदर। इसके कारण फिर क्या हो रहा है, सोशल इंबैलेंस यानी सामाजिक असंतुलन देखा जा सकता है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म, नक्सलवाद की समस्या, या प्रॉब्लम ऑफ सोशलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, यानी
एक्सट्रीमिज्म का मतलब उग्रवाद की समस्या कह सकते हैं इसको, इस तरह के सामाजिक, और क्या है इससे, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को अच्छे से, अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड, एड्रेस्ड यानी बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, समीक्षा आगे कह सकते हो कृषि के साथ न्याय नहीं हुआ, नहीं कृषि का जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो सका, ठीक है। फिर क्या है, डोंट हैव प्रॉपर फिस्कल मैनेजमेंट, यानी राजकोषीय प्रबंधन सही ढंग से नहीं हुआ। राजकोषीय प्रबंधन मतलब राजा के कोष का प्रबंधन, यानी सरकार के पास क्या पैसा आ रहा है, ये है आय, ये है खर्च, इसके बाद भी इसमें बैलेंस नहीं रखा गया, खर्च बढ़ता गया, आय कम रहता, तो इसलिए लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, घाटे की अर्थव्यवस्था हो रही है या घाटा देखते हुए जा रही है, क्लियर हुई बात। तो ये चीजें लगातार देखी जा सकती हैं, ठीक है। और कह सकते हैं रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, उर्वरक पे दी जाने वाली सहायकी को हटा लिया गया, यानी डीबीटी में कन्वर्ट कर दिया गया उसे, इससे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। और इससे क्या हो गया, जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं वो प्रभावित हुए। और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, मुझे लगता है ये टॉपिक हमने कवर किया कि भाई एलपीजी है क्या। मैं अगले 2 मिनट में इस टॉपिक को पूरा दोहराता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा इस चीज को और एक अपनी समझ विकसित करिए। जो भी बातें मैं लिख रहा हूं आप नोट कर लीजिए, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी एक अवधारणा बनाइए, समझ बनाइए, वो समझ आपको आपके एग्जाम में उसे आप साथ में लेके जाएंगे और वही काम आने वाली है। मैंने कहा कि अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा, क्या LPG, ठीक है, और इसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट, यही था टॉपिक। इसको मैं 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, मैं यहां इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके स्क्रीन पे ये चीजें दिखे, LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने क्या देखा इस चीज में, हमने ये देखा कि भाई एलपीजी क्यों लाई गई, एलपीजी है क्या, ठीक है, एलपीजी लाने के पीछे परिस्थितियां क्या थी, मैंने उसकी बात की कि देखो भाई भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया था, भारत की अर्थव्यवस्था मोर और लेस क्लोज्ड इकोनॉमी थी,
और जब क्लोज्ड इकोनॉमी थी तो इसलिए क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया, यानी व्यापार में असंतुलन होने लगा, क्योंकि हमारे पास जो भी पैसा रखा हुआ था उसे हमें क्या करना था, हमें कहीं फॉरेन करेंसी में हमारे पास रिजर्व था नहीं तो उसको कन्वर्ट कराना था, तो हमारा जो थोड़ा बहुत कोटा था आईएमएफ में वो खत्म हो चुका था, तो मिला जुला के क्या है कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस हो चुका था, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया था, एक्सपोर्ट कम हो गया था, एक्सपोर्ट के ही माध्यम से या निवेश के माध्यम से ही भारत में विदेशी मुद्रा आ सकती थी, और उन विदेशी मुद्राओं के प्रयोग के साथ क्या कर सकते थे हम, उन विदेशी मुद्राओं के प्रयोग के साथ हम अपने व्यापार को सुगम बना सकते थे। ऐसे में क्या है, भारत सरकार को 1990 की घटना के बाद मैंने बताया ये सोचना पड़ा कि भैया ऐसा है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रेटजी चेंज करते वक्त एलपीजी लाया गया। एलपीजी का मतलब क्या है, उदार होना, लिबरलाइजेशन, किसके प्रति, सबके प्रति, सरकार का सबके प्रति उदार होना, अपने लोगों के प्रति भी, बाहरी लोगों के प्रति भी। क्या मतलब भैया, अपने लोग भैया कोई आपको कोई जरूरत नहीं है लाइसेंस वाइसेंस लेने के लिए, आप आइए, अब केवल 4-5 उद्योग ऐसे रह जाएंगे जिसके लिए लाइसेंस आपको लेना है। एमआरटीपी एक्ट खत्म कर दिया, इंडस्ट्री लगाओ भाई, इंडस्ट्री लगाने से पहले पूछना नहीं है, अब केवल 2 उद्योग ऐसे रह जाएंगे जहां गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, सब खत्म करो, और लोग आके यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई के रूप में आ सकते हैं, एफआईआई के रूप में आ सकते हैं, एकदम दरबार खुल गया है, ये लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन मैंने कहा कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट हो रही है, दिक्कत हो रहा है, घाटा हो रहा है, सरकार कह के भैया हमें कैश चाहिए, तो कैश करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पड़ा उसको बेचेंगे। बेचना मतलब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर करना ही प्राइवेटाइजेशन होता है, तो ये समझ में आ गया। फिर मैंने बात किया भैया प्राइवेटाइजेशन क्यों, प्राइवेटाइजेशन है क्या, फिर हमने बहस की कि क्या सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जाना सही बात है। उसी प्रक्रिया में हमने सरकार की क्या समझी, सरकार का हमने पक्ष समझा, सरकार क्या क्या कहना चाहते। ठीक वैसे ही अगर याद हो आपको मेरी क्लास, हमने ग्लोबलाइजेशन के समय नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के समय बात की थी, ये गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था, या फिर मर्जर ऑफ बैंक्स के पक्ष में बात की थी, गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था। तो इसी चक्कर में हमने कहा कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले सरकार क्या सोचती है, फिर हमने कहा क्या सही है, तो आप कह सकते हो पार्सली राइट पार्सली रॉन्ग, तो राइट में तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट डाल दो, रॉन्ग में मैंने कहा कि ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि जो सिस्टम है उसे हम खुद सुधारेंगे, ना कि सिस्टम को बेच दे। और ग्लोबलाइजेशन मैंने कहा कि अपनी इकोनॉमी का दूसरे, और ग्लोबलाइजेशन का बच्चों में बता रहा हूं बड़ी कई एस्पेक्ट होते हैं, सोशल इंपैक्ट होते हैं। सोशल इंपैक्ट का मतलब क्या है, वहां की अच्छी बातों का यहां पर प्रभाव पड़ना, ठीक है। आप कह सको कल्चरल इंपैक्ट में क्या है, हमें वेस्टर्न ड्रेसअप अपनाना, खाने में हमें बर्गर पिज्जा डोमिनोज मैकडी इस तरफ का यहाँ पे आना क्या है, ये भी तो क्या है एक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। हमारी कढ़ी का वहां जाना, यानी भोजन का आपस में आना जाना भी ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। एक शब्द है कल्चरल इंपीरियलिज्म, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। अगर ग्लोबलाइजेशन को कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक शब्द मैं कह दे रहा हूं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, कल्चरल हेजिमोनी, कल्चरल इंपीरियलिज्म, एक वर्ड हेजिमोनी भी आती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अपनी संस्कृति को बहुत समझदारी के साथ दूसरे देशों को उसके गुलाम मत बनाना, लेकिन क्या है अपनी संस्कृति को धीरे धीरे उस देश की माइंडसेट में क्या करना, थोप देना। जैसे आज हम कल्चरल इंपीरियलिज्म के तहत आते हैं, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के तहत आते हैं, क्या वेस्टर्न कल्चर आज हमारी सोसाइटी पे क्या है, हावी है, हमारे खान पान, हमारे बातचीत, हमारी बोली, हमारे भाषा, हमारे भोजन, हमारे पहनावे, सब पे वेस्टर्न पश्चिमी देशों का बहुत तेजी से प्रभाव है। और प्रभाव इस तरीके से है कि आज हम अपने आप को अगर मैकडी में खाना खा रहे हैं या फिर डोमिनोज में खाना खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो मेंटल आधार पे क्या होता है, उसे मॉडर्न समझते हैं, मॉडर्निटी को उसको इससे रिलेट करके देखा जाता है। मॉल कल्चर क्या है, यानी वेस्टर्न कल्चर हम बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं, और यही है कल्चरल क्या हेजिमोनी या कल्चरल इंपीरियलिज्म, सांस्कृतिक साम्राज्य
वाद। जैसे मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ आपको, हॉलीवुड की फिल्में, उन फिल्मों का हिंदी में डब क्यों किया जाता है? हॉलीवुड की फिल्मों में आप देखिएगा, हर एक दूसरे चौथे फिल्म में ऐसी फिल्म होगी कि एलियन हमला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा यू नो दूसरे ग्रह से आने वाला कोई, आपने देखा होगा एवेंजर्स या फिर इस तरीके से, वो पृथ्वी पूरी खत्म होने वाली है और पूरी पृथ्वी के बिहाफ पे पूरी पृथ्वी को बचाने का निर्णय लेता है अमेरिका का राष्ट्रपति उस मूवी में। तो ये पूरे विश्व में दिखाया जाता है, तो इससे क्या साबित किया जाता है? ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि दुनिया में सबसे अगर कोई पावरफुल है, ताकतवर है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति है। क्लियर हो गई बात? तो भाई ये है ग्लोबलाइजेशन का सामाजिक पक्ष जो मैं आपको बताया। फिर ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक पक्ष मैंने बताया कि हम आउटसोर्स करना शुरू कर दिए हैं बहुत बड़े स्तर पे, भारत को एक ग्लोबल फुटप्रिंट मिल चुका है, और ओवरऑल एलपीजी के जब प्रभाव को देखेंगे तो पॉजिटिव भी उसके प्रभाव दिखेंगे और नेगेटिव भी प्रभाव दिखेंगे। इन प्रभावों को आपने देखा है, ग्रोथ रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये चीजें थी एलपीजी। इसको मैं एक बार और इसलिए रिवाइज किया क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप करनी है, ठीक है बच्चे? रटना नहीं है कि अगर एलपीजी जैसी कुछ चीज आई तो ये नहीं पॉइंट रट जाओ पॉइंट रट जाओ, समझो ना भाई कि कैसे काम कर रहा है एलपीजी। आप तो ऐसी पीढ़ी के हो जो एलपीजी के साथ बड़े हो रहे हो, तो एलपीजी के कारण जो जो प्रभाव दिखेगा आप पे प्रभाव दिखेगा, चाहे पॉजिटिव प्रभाव हो चाहे नेगेटिव प्रभाव हो। नेगेटिव में बात अगर मैं कर दूं तो भाई आप देख लोगे कि भाई घाटे वाली व्यवस्था अभी तक लगातार चल रही है, एग्रीकल्चर को बहुत ध्यान नहीं दिया गया, फिर क्या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ झुकाव हो गया है। अब आपको एक और बात बता दूं, अब आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ ले क्या आपको लगता है भारत इज अ इंडिया इज अ न्यू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, डू यू थिंक इट? और इस बार के इंटरव्यू बोर्ड में दो तीन बच्चों से ऐसे सवाल पूछे गए थे जिन्होंने हमसे डिस्कस किया कि आपको क्या लगता है भारत एक नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से यहाँ पे गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? तो देखिए भाई, आपका स्टैंड क्या होना चाहिए? आपसे जब भी इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाए कि आप बताइए इंडियन इकोनॉमी इज, और ये आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ मेंस में कि भारत क्या है, आपको लगता है डू यू थिंक दैट इंडिया इज ब्लाइंडली फॉलोइंग द पाथ ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या आपको लगता है भारत, मेंस का अभी ये क्वेश्चन भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं आप, इसको करिए, क्या आपको लगता है भारत अंध रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है? डू यू थिंक दैट इंडिया इज ब्लाइंडली फॉलोइंग द पाथ ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या क्या आपको लगता है कि भारत एक नया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रूप हो चुका है? डू यू थिंक दैट इंडिया हैज बिकम अ न्यू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? अब भाई आपका टेक क्या होना चाहिए इस पे, इंटरव्यू बोर्ड में भी और यहां भी? तो आपके ये निसंदेह है, हम ये मानते हैं आफ्टर एलपीजी, आफ्टर 1991 व्हेन इंडिया बिकेम फुल ओपन इकोनॉमी, यस इंडियन इकोनॉमी हैज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स व्हाट, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बिकॉज वी हैव ओपन इकोनॉमी, इस तरह की चीजें हैं। बट आपके ये हम ये नहीं कह सकते भारत पूर्णतः एक क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप कह सकते हैं ये नई एलपीजी पॉलिसी आई, वो समय की डिमांड थी, समय की मांग थी, ठीक है? लेकिन समय के साथ साथ सरकारी नीतियों में इसे लेकर परिवर्तन भी हुए हैं, और आज भी भारत सरकार अधिक ध्यान समाज कल्याण पे देती है, और भारत अभी भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में भी धारणीय विकास की बात की जा रही है, इनमें समावेशी विकास की बात हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है, और सरकार का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, और मोदी गवर्नमेंट 2.0 में भी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा दिया गया है, जो अपने आप में मिश्रित अर्थव्यवस्था की या समावेशी विकास की अर्थव्यवस्था का क्या एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन करता है इस चीज को, ठीक है ना? तो ये चीजें आप इसमें दिखा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं थोड़ा सा कि
इस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कंपनियों के ऑटोनमस होने के बारे में, यानी एक स्कीम है महारत्न योजना, नवरत्न योजना और क्या मिनी रत्न योजना, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। एक तो है महारत्न, और दूसरा है क्या नवरत्न। तीसरा क्या है? मिनी रत्न, ठीक है भाई। अब ये क्या है महारत्न मिनी रत्न? तो पहले कुछ बातें एकदम क्लियर कर लीजिए। सरकार अपने कुछ पीएसयूज हैं, पीएसयूज मतलब समझते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। उन कंपनियों को, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ये स्टेटस देना शुरू किया सरकार ने। क्यों स्टेटस दिया गया? आपने विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न के बारे में सुना होगा, या फिर नवरत्न का कॉन्सेप्ट अकबर ने भी लाया था, अपने दरबार में लाया था। क्या थी या महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देने का मतलब क्या हो गया? मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न दर्जा देने का मतलब यह हो गया कि भाई उसे उसके परफॉर्मेंस के आधार पे उस पर विश्वास करना और उन्हें कुछ विशेष अधिकार देना, प्रिविलेज देना। जैसे मान लीजिए क्या कि आप तीन भाई हैं, ठीक है, तीन भाई हैं और आप क्या कर रहे हैं, या तीन बहनें हैं, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि सर उदाहरण भाइयों का क्यों दिए, इतना फेमिनिस्ट नहीं होना है, सुनिए बात। आप तीन भाई हैं या तीन बहन है, ठीक है। अब इसमें एक भाई क्या है कि यूपीएससी की तैयारी करके क्लियर कर गया, वो यानी प्रॉपर आईएएस, सिंगल डिजिट रैंक, ठीक है। अब बताओ जो आदमी सिंगल डिजिट रैंक कर पा लिया, यानी आईएएस बन गया, तो उसे घर में कुछ प्रूफ करना है क्या कि योग्य है कि नहीं है, बताइए। यानी उस पर क्या लग गया, प्रमाण पत्र लग गया। तो यानी वो बन गया भाई महारत्न। अब आईएएस अगर आप हैं और घर में कुछ पैसा रखा हुआ है और आपका मन कर दिया पार्टी करने का, तो भाई आप बिना पापा से पूछे भी 50,000 रुपए तक या कुछ एक अमाउंट समझ लीजिए, बड़ा अमाउंट मान लीजिए, ले जाके अगर पार्टी कर भी लिए ना, तो पापा गुस्सा होंगे क्या? नहीं गुस्सा होंगे, समझ पाए? क्यों? क्योंकि आपको विशेषाधिकार दे दिया गया आपके परफॉर्मेंस से, ठीक है। अब भाई मान लीजिए दूसरा भाई क्या है, वो आईएएस दिया, आईएएस नहीं हुआ लेकिन पीसीएस में हो गया और वो भी प्रॉपर एसडीएम बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो भाई साहब आपके क्या बनेंगे, नवरत्न उनको बोला जाएगा। तो वो अगर भाई, बड़ा भाई जो आईएएस बना, 1,00,000 रुपए की पार्टी दे दिया पिताजी से बिना पूछे, दिक्कत नहीं कोई हो सकती है, तो अगर कोई पीसीएस है तो भाई यार 50,000 रुपए तक की पार्टी तो दे ही सकता है और उस पे पापा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है, तीसरा कोई घर में छोटा वाला सबसे है, उससे निकला है लेखपाल का एग्जाम, ठीक है। क्या निकला है? लेखपाल का एग्जाम। अब लेखपाल का एग्जाम, 1,00,000 रुपए की पार्टी दे दिया, अब इमेजिन करो आप, तो क्या होगा, कुटाई होगी ना घर पे। तो भाई यही बात है, वो कर सकता है 5,000 तक का, 5,000 पड़ा था, दोस्त आ गए थे तो पापा पार्टी देनी थी, कर लिया, तो वो साहब होंगे मिनी रत्न। तो परफॉर्मेंस के आधार पर इन कंपनियों को भी, ठीक है, महारत्न यानी सरकारी कंपनियां हैं, उनको यह दर्जा दिया गया है
कैसा दर्जा कि जो महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है सरकार की बिना अनुमति के, ठीक है, क्या 5,000 करोड़ तक का क्या निवेश कर सकती है, उसे सरकार के लिए पूछना नहीं है, ठीक है। यानी वो पीएसयू सेक्टर की क्या है, आईएएस हैं। और नवरत्न कंपनियों के साथ क्या है, वो कितने हजार करोड़ तक का कर सकते हैं, वो सरकार की अनुमति के बिना 3,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और मिनी रत्न क्या है, उनको 300 करोड़ या 500 करोड़, ये दो कैटेगरीज बनी हुई है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ बेसिक क्लियर बातें हो रही हैं क्या कि मिनी रत्न क्या है, नवरत्न क्या है, महारत्न का कॉन्सेप्ट क्यों आया। अब यह है अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि महारत्न बनने की क्या कैटेगरीज हैं या क्राइटेरियाज क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए महारत्न कंपनी की, भारत में अभी कितनी महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक उसी तरीके से मिनी रत्न की क्या क्राइटेरिया हैं और कितने प्रकार के मिनी रत्न अभी हैं, तो इनकी बातें यू नो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।